पर डॉक्टर बीनी शुंगी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं जो हमें बच्चों की हेल्थ के हवाले से और सर्दियों में उनकी हेल्थ का ख्याल कैसे रखना है वो हमें बताएंगे। जी डॉक्टर बीनीश, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो विंटर रिलेटेड डिजीज़ेस, यानी जो सर्दियों में कॉमन प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं अपने बच्चों से रिलेटेड। ठीक है, तो अब कॉमन चीज़ें जो देखी जाती हैं विंटर में, सबसे कॉमन तो हम फेस कर रहे हैं फ्लू, क्योंकि बहुत से बच्चे जो माएँ परेशान हैं वो बच्चों के फ्लू या इन्फ्लुएंजा जिसको हम कहते हैं, तो उसके सिंपल एक फ्लू के सिम्टम्स जैसे आप देखते हो कि सोर थ्रोट, गला ख़राब होता है, उसके साथ लाइट सा बुखार हो जाता है, ये यूजुअली वायरल होता है। इसमें मेडिसिन हम देते ज़रूर हैं लेकिन वो टेम्परेरी इफ़ेक्ट करती है, इसलिए इसने 5 to 7 days लेके ख़ुद ही सेटल डाउन होना होता है। लेकिन इसमें हम अपने बच्चे को फ्लू से बचाने की तदबीर ज़रूर कर सकते हैं। एक तो बच्चे की एहतियात इस तरह करें कि उसके हाथ फ्रीक्वेंट वॉश करें ताकि हाइजीन का ख्याल रहे, सफाई का ख्याल रहे और वो जर्म से बचा रहे। दूसरी बात जो कॉमन एक आजकल बहुत से लोग जिनको अवेयरनेस है वो कर भी रहे हैं, फ्लू वैक्सीन लाजमी कराएं। फ्लू वैक्सीन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी है और हर साल हमें एक शॉट ज़रूर लगवा लेना चाहिए। देखिए, बात यह है कि कोई भी वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन नहीं देती, लेकिन अगर आपके बच्चे को 50-60% प्रोटेक्शन भी मिल जाती है तो मेरा ख्याल है ये हमें थोड़ी पेरेंट्स को बहुत तसल्ली हो जाती है कि हमने अपने बच्चों के लिए ये कर लिया, और ये भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए प्लीज़ फ्लू वैक्सीन लाजमी लगवाएं, उनकी हाइजीन का ख्याल रखें, हाथ खाना खाने से पहले हाथ धोएं किसी, और इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर घर में किसी और को फ्लू हुआ हो वो प्लीज़ उससे अवॉइड कराएं, इस तरह के वो बंदा मास्क यूज़ कर सकता है, स्पेशली बड़ों से, बच्चे बड़ी जल्दी पिक करते हैं। दूसरी कॉमन चीज़ जो हम देखते हैं सर्दियों में जिसको हम नमूनिया या ब्रोंकोलाइटिस कहते हैं, अब ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है। नमूनिया और ब्रोंकोलाइटिस में इस तरह के ब्रोंकोलाइटिस छाती का इन्फेक्शन जो वायरल होता है, ये भी वायरस से ट्रांसमिट होता है। इसमें भी ये होता है कि सीटियों की आवाज़ें आने लग जाती हैं, बच्चे को सांस लेना मुश्किल हो जाता है, नाक बंद हो जाता है। अब इसको आपने अगर ये इस लेवल तक का है तो फिर आप इसे घर में ही ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि थोड़ा सा आपके बच्चे को सांस लेने में मसला ज़्यादा हो रहा है तो डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि उसमें फिर आपको नेबुलाइज बच्चे को करना पड़ता है, बच्चे को कुछ मेडिसिन देनी पड़ती है जिससे वो ठीक होता है। और जो नमूनिया जिसको हम कहते हैं, वो नमूनिया थोड़ा स्वेयर होता है और बैक्टीरियल मोस्टली होता है, यानी इन्फेक्शन में उसमें आपको लाजमी डॉक्टर को कंसल्ट करना है, इसलिए कि उसमें बच्चे की छाती से आवाज़ें आ रही होती हैं, बुखार बहुत तेज़ हो जाता है, समटाइम बच्चे की छाती पसलियाँ आप देखते हो अंदर बाहर होने लग जाती हैं, वो सांस लेने में उसे इतनी मुश्किल हो रही होती है, तो मस्ट आप उस बच्चे को डॉक्टर को दिखाएं ताकि उसको टाइमली ट्रीटमेंट मिले। इसमें एंटीबायोटिक का रोल होता है, जो एंटीबायोटिक दे के फिर बच्चा और नेबुलाइज करके ठीक किया जाता है। चौथी कॉमन चीज़ जो हम यहाँ पे अब आजकल बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं वो एलर्जीज़ और एस्थमा सीज़न बहुत आया हुआ है, दमे का सीज़न। अब ये एलर्जीज़ और एस्थमा सीज़न को जो जिनकी तो फैमिली हिस्ट्री होती है उन्हें पता होता है कि हमारा एलर्जी की फैमिली हिस्ट्री है, वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर भी होते हैं मेंटली कि हमारे बच्चों को अब इसका एक्सपोजर होने वाला है। तो इसलिए जब भी आपको लगे एलर्जी सिम्टम जिसमें स्नीजिंग जैसे छींकें आ रही हैं, आँखें रेड हो गई हैं, आँखों से और नाक से पानी बह रहा है, तो फिर आप उसको एंटी एलर्जिक कोई भी जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की हो वो यूज़ कराएं। अगर इससे ज़्यादा आपको फील हो रहा है कि बच्चे को सीटियों की आवाज़ें आ रही हैं, सांस लेने में मसला हो रहा है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें ताकि टाइमली उस बच्चे को मैनेज किया जाए। एस्थमा, एस्थमा के जो दमा है, दमा जिन बच्चों को होता है उन बच्चों की माएँ ऑलरेडी ट्रेन होती हैं, लेकिन फिर भी उसमें बताना ये मैं चाहूँगी ज़रूर कि आप अपने बच्चों का वो फैक्टर ज़रूर देखें जिससे एस्थमा उनको प्रोवोक हो रहा है, यानी स्टिमुलेट हो रहा है। जैसे इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, कोल्ड सीज़न हो सकता है, डस्ट हो सकता है, पेंट हो सकता है, कोई फूड हो सकती है, ताकि आपको पता हो और आप उस बच्चे को उस चीज़ से अवॉइड करें ताकि उसका अटैक ना आए। और जब अगर अटैक आए तो ऑलरेडी आपको पता होता है कि घर में कम से कम नेबुलाइज बच्चे को ज़रूर शुरू करा दें, और नेक्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए कि उधर अपने डॉक्टर को दिखाएं। अच्छा, अब ये कॉमन चीज़ें जो हैं इनमें आजकल जो विंटर सीजन में देखा गया है वो वायरल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, जिसमें हम आप कॉमनली कह लें मीज़ल्स आ जाता है जिसे हम खसरा कहते हैं, चिकन पॉक्स आ जाता है जिसे हम लाकड़ा काकड़ा कहते हैं।
अब जब आप कोई बच्चा वायरल इन्फेक्शन जिस बच्चे को हो जाए तो कम से कम पेरेंट्स को इतना ज़रूर अवेयरनेस होनी चाहिए कि दूसरे जो छोटे बच्चे हैं उनको उससे आइसोलेट कर लें, सेपरेट कर लें, ठीक है। और बाकी ये है कि नेक्स्ट स्टेप आप डॉक्टर को दिखाएं।